हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज है 7 मई 2024 से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसको इस वीडियो में हम देखेंगे, और साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चर्चा में रहा प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल सिकारगाह स्थित है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, जसपुर, कोरबा, दुर्ग, रायपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा जसपुर ज़िले में स्थित है। कौन सा तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक है और अभी हाल ही में ये चर्चा में रहा है और यहाँ जसपुर ज़िले में स्थित है सिकारगाह। ठीक है, अब जसपुर की बात आई है तो जसपुर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जसपुर की स्थापना 1998, ठीक है, 1998 में इसकी स्थापना हुई है। मातृत्व जिला रायगढ़, रायगढ़ से पृथक करके जसपुर जिले का निर्माण किया गया है। हवाई पट्टी अंगडी हवाई पट्टी राज्य शासन के अधीन में है और प्रदेश में कुल 9 हवाई पट्टी स्थित है। अभयारण्य बादल खोल अभयारण्य स्थापना 1975 में हुआ है। प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य 105 वर्ग किलोमीटर में फैला है। जलप्रपात देखते हैं, रानीदाह जलप्रपात, दमीरा जलप्रपात, घुड़िया जलप्रपात, राजपुरी जलप्रपात, ये सब जसपुर ज़िले में ही स्थित है। कुनकुरी एशिया का सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च स्थापित है, वो भी जसपुर में है। पत्थलगांव लुड़ेंगा टमाटर की राजधानी, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। जसपुर पाट प्रदेश, प्रदेश के अनुसार प्रदेश के सबसे बड़े पाट प्रदेश में आते हैं तो अपना जसपुर पाट आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन से भी आप इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोल्डन मैन एनवायरमेंटल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, राकेश वर्मा, आलोक शुक्ला, अंकित कुर्रे, विष्णुदेव साय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, आलोक शुक्ला को क्या है तो गोल्डन मैन एनवायरमेंटल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। और यहाँ ठीक है, किसके लिए यह आंदोलन कर रहे थे तो हसदो बचाओ के लिए इसने आंदोलन किया। देखिए, हसदो हमारी संपदा, ठीक है, जैसे आदिवासियों लोग की संपदा है पेड़ पौधे, आदिवासी लोग उसको अपना संपदा अपना घर मानते हैं। ठीक है, जंगल पर्वत पहाड़ को, और लगातार उसकी कटाई हो रही थी और ठीक है, आलोक शुक्ला जी उसी में डटे रहे, हसदो बचाओ का नारा में मुख्य थे। ठीक है, इसीलिए इसको अच्छे काम के लिए गोल्डन, ठीक है, एनवायरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित दक्षिणमुखी शिवलिंगी किस जिले में स्थित है, ये भी अभी चर्चा में रहा है। कवर्धा, बस्तर, सूरजपुर, बलौदाबाजार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी है। ठीक है, बस्तर ज़िले से यहाँ क्या है तो संबंधित है दक्षिणमुखी शिवलिंगी, और यह बहुत पुराना शिवलिंग है। ठीक है, करीबन 1000 साल से पुराना है। ठीक है, और यहाँ बस्तर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप भी ट्राई करिए। ठीक है, आंसर देने का कोशिश करिए, आंसर सही हो या गलत, ठीक है, नॉलेज बढ़ता है। किस राज्य की महिलाएं 8 घंटे में 500 किलो शहद की प्रोसेसिंग व पैकेजिंग करने में अव्वल रहा है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी है, अपना छत्तीसगढ़। ठीक है, अव्वल रहा है 8 घंटे में 500 केजी। ठीक है, 500 केजी शहद की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करने में हमारा राज्य अव्वल रहा है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य के किस जिले में धूप घड़ी स्थित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, सुकमा, बीजापुर, कोरिया, सूरजपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सुकमा। ठीक है, कौन से जिला में है? तो सुकमा जिला में यह धूप घड़ी स्थित है। धूप घड़ी कहने का मतलब छाया से, ठीक है, जैसे किसी का छाया पड़ता है जिसको छाया बोलते हैं, इसी के द्वारा वहाँ पर टाइम का पता लगाया जाता है और यहाँ एक्यूरेट टाइम बताता है। जैसे आप टाइम में देखोगे, आप टाइम में देखोगे 7:10 AM, तो उसी टाइम धूप का जो रहेगा उसको एक्यूरेट आपको बता देगा। और यहाँ जब यह कब लागू होगा, तो यहाँ सूर्य उदय रहेगा तब इसका जो अच्छे से आप उसके बारे में जान पाओगे। और अंधेरा रहेगा फिर भी टाइम बताएगा समथिंग, लेकिन अंधेरा में उसको ज़्यादा क्लियर आपको पता नहीं चलेगा। और यहाँ ये भी चर्चा में है, और यहाँ सुकमा जिले में स्थित है। अब सुकमा जिले की बात आई है तो सुकमा जिले के बारे में देख लेते हैं। सुकमा की स्थापना 2012, मुख्यालय सुकमा, मातृत्व जिला दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से पृथक करके सुकमा जिले का निर्माण किया गया है। और सुकमा सबरी नदी के किनारे बसा है। मुख्य खनिज, ठीक है, यहाँ पर क्या है, उत्पादन और प्रथम स्थान है कोरंडम, सोन कुन्नार से पृथ्वी में, ठीक है, हीरा के बाद कठोरतम है तो द्वितीय स्थान में रहता है कौन सा, कोरंडम। पहला में क्या है, पहला में हीरा है और दूसरा में क्या है, तो कोरंडम है, ठीक है, हीरा है और दूसरे में ना कोरंडम आता है, ठीक है। सबरी नदी प्रदेश का एकमात्र नदी जिसमें नौका परिवहन चलता है, नौका मतलब नाव चलता है, ठीक है, पानी जहाज, कोंटा से आंध्र प्रदेश तक संचालित है। जलप्रपात गुप्तेश्वर जलप्रपात, रानीदाह जलप्रपात, और सुकमा में है साइंस पार्क स्थित है। इस क्वेश्चन से भी आप इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखिए। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से यदि आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंडिया गार्ड।